वहां का मतलब रोटी की तरह बनता है। भैया ने निल्हा दिया इनको अच्छे से। चलो ही चक लिए ये चीज है असली। ये देखो ये। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं कजन्स के साथ करूंगा। हाँ भाई, ये हरमन, प्रीति, मेरी सिस्टर हरप्रीत। सो आज हम बेसिकली लुधियाना एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ का सबसे फेमस वो कौन सा बर्गर था? राजू का बर्गर कौन सा था वो बता रहा था? चौमिन वाला बर्गर और वो कुलचा, पप्पू के कुलचे और चौमिन वाला बर्गर। सो आज ट्राई तो कर रहे हैं, दोनों कवर करेंगे, बट स्टिल देखते हैं क्या। कितने जा रहे हैं? छोले कुलचे। यहाँ के जो छोले कुलचे ना, वो दिल्ली से बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है छोले कुलचे। हम आपको दिखाएंगे उसकी मेकिंग, मतलब चीज वही है बट जिस हिसाब से वो बनाते हैं। पिज्जा कुलचा भी दिखाएंगे हम आपको, टिक्की कुलचा भी, छोले कुलचे भी आपको दिखाते हैं। सीधा हम आ गए भैया के पास। ये भैया, भैया आपका नाम? पप्पू है भैया का नाम। भैया का जो फेमस है ना वो है पिज्जा कुलचा। ये देखिए भैया हमें पिज्जा कुलचा खिलाने वाले हैं। हम पिज्जा कुलचा खाएंगे। ये है मक्खन। ओहो, अमूल बटर। यहाँ वेर का चलता होगा अमूल से ज्यादा। वेर का, यहाँ अमूल बटर नहीं कहना हमें, वेर का बटर कहना है। वेर का बटर। माय गॉड, भैया ने निल्हा दिया इनको अच्छे से। ये क्या डाल रहे हो भैया? जीरा। भाई दिल्ली में ये चीज नहीं मिलती। हाँ, दिल्ली से आए ना तो हमें वहाँ का मतलब रोटी की तरह बनता है। अब ये देखो छोले। हाँ, बना के देते दिल्ली में। ये देखिए भैया ने टमाटर डाल दिया। ओहो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत मजा आ गया हरमन, मजा। खुशबू बहुत बढ़िया खुशबू है। पानी आ गया है। प्रीति, खुशबू बढ़िया आ रही है ना? बहुत बढ़िया खुशबू। ओहो, ये क्या है भैया? क्रीम। ओ देखो क्रीम, देखो। ओ मजा आ गया। अब हो रहा है ये मिक्स। असली जादू अब आएगा। भाई ऐसे दिल्ली में कोई मिलते हो तो मुझे बताओ कमेंट करके। तो मिलते ही नहीं है मैं श्योर हूँ, बट स्टिल आप ये चीज देखिए। ये चीज है असली। ये हाँ, मतलब वैरायटी दिखा देंगे ना। ये देखो भाई, ये है असली चीज। मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है? इस साइड लुधियाने में जितने भी रहते हैं वो आप भैया के पास आओ हाईवे पे। भैया जगह कौन सी है, मतलब ये क्या लोकेशन पड़ती है? लोकेशन है हीरो की एजेंसी। हीरो की एजेंसी है ये वो पीछे एजेंसी दिखा दूंगा। पीछे ये हीरो एजेंसी है, ये हीरो एजेंसी है। ये पप्पू जी है हमारे, और ये हमारे देखो पिज्जा वाला कुलचा। ये देखो मेकिंग। ओहो, भैया ने तो क्या आटी बनाता। ये देखो भाई, ये चीज आपको ढूंढने में भी नहीं मिलेगी कभी दिल्ली में। तो ये जो बना ना, ये देखो। ओ, अब हम आपको दूसरा स्टाइल का दिखाते हैं। ये भी बहुत पुराना स्टाइल है लुधियाने का, बहुत फेमस है। ये कुलचा सिर्फ पंजाब और पहाड़ों पे मिलेगा आपको इस टाइप का। पहाड़ों में भी नहीं, सिर्फ पंजाब में ही मिलेगा आई गेस, क्योंकि मैंने पंजाब में खाया है, चंडीगढ़ में खाया है, दो जगह खाया है, उसके अलावा नहीं खाया। ये देखो, ये चीज होती है मेन जो दिल्ली में नहीं मिलती। ये कुलचा देखो, ये देखो, ये जो इसके अंदर डाला है ना,
भाई मुझे याद है जब हम छोटे छोटे होते थे तब हमने बहुत खाया है यहाँ पे। ये देखो ये हो गया तैयार, ये भी बहुत बढ़िया होता है। ज़ूम करो पहले इस पे, ये दिखाओ भाई, ये है पिज्जा कुलचा इन बोलियो, ट्रैफिक बहुत है। अब मैं अपने कजन के साथ ट्राई कराएंगे आपका, ये चलो ही चख लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सॉफ्ट है, पनीर डाला हुआ है इसमें, क्रीम है, सॉसेज है। चलिए हमने ये वाला कुलचा भी यहाँ का फेमस है पंजाब का, इसकी आप फीलिंग देखो कितना बढ़िया बनाया है। गल बात है मजा आ गया खा के, बहुत बढ़िया है। कुलचों के लिए सिर्फ पप्पू जी पे आइए और कहीं मत आइए, आपको इसकी लोकेशन बता दी है, भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, जब के लिए ओके बाय।